तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर फाइव ए पी की एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर सेवनटीन और एट्टीन तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखते हैं इसमें दिया है फाइंड द टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द ए पी एक ए पी हमें दे रखी है और इसमें आगे से नहीं पीछे से ये बताया है कि पीछे से ट्वेंटी टर्म कौन सी बैठेगी आगे से पूछता तो हम बता देते ए ट्वेंटी होगी लेकिन इसमें पूछा है कि पीछे से ट्वेंटी नंबर की जो टर्म है वो कौन सी होगी तो इसको करने के कई सारे मेथड होते हैं मैंने आपको एक एग्जांपल भी कराया था एग्जांपल नंबर एट उस एग्जांपल को भी आप चेक कर सकते हो उसके अंदर मैंने तीन मेथड बताए थे ऐसे क्वेश्चन को करने के मैं यहाँ पर भी आपको दो मेथड से करके बताऊंगा एक तो एक तरीका होता है जिसके अंदर हम ए को ही रिवर्स कर देते हैं क्योंकि हमें पीछे से बताना होता है तो आप ए को रिवर्स कर देते हो या फिर एक सेकेंड मैथड के अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एल माइनस एन माइनस ठीक है जहाँ पर एल क्या है जो भी आपके पास लास्ट टर्म दे रखी होती है मैं इन दोनों मेथड से ही आपको बताता हूं ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जब भी आपसे लास्ट टर्म से पूछा जाए कि पीछे से बीसवीं टर्म कौन सी है तो सबसे पहले आप क्या काम करो इस ए को ही रिवर्स कर दो मतलब उल्टी लिख दो इधर से तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ ए इसके अंदर हम ए का जो ऑर्डर है उसको हम उल्टा कर देते हैं तो अब आपके पास ए क्या हो जाएगी ए हो जाएगी पहले हम लिखेंगे टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री फिर उसके बाद क्या लिखेंगे थर्टीन उसके बाद क्या लिखेंगे एट फिर उसके बाद क्या लिखेंगे थ्री तो यहाँ से अब आपकी फर्स्ट टर्म ये हो गई ठीक है अगर आप आ, ए पी को रिवर्स करके लिखते हो तो ठीक है पहला मेथड बता रहा हूँ मैं एक मेथड और बताऊँगा अभी तो फर्स्ट टर्म ए जिसको हम लिख सकते हैं पहली टर्म क्या हो गई टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री और कॉमन डिफरेंस क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है किन्नी भी दो टर्मों के बीच का डिफरेंस जिसमें से आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को हम क्या करते हैं माइनस जैसे एट में से थर्टीन थ्री में से एट को किसी में से भी कर सकते हो यहाँ पर तो आप कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर आपको टर्म नहीं दे रखी या फिर आपको निकालनी पड़ेगी तो मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पर एट में से थर्टीन को कर देते हैं माइनस एट में से थर्टीन क्या तो कितना आएगा माइनस का फाइव ठीक है अब यहाँ पर आप ए एन का फॉर्मूला लगा सकते हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और आपको बतानी है ट्वेंटी टर्म मतलब कि आपको बताना है ए ट्वेंटी ठीक है तो ए की जगह पर क्या रख सकते हैं हम ए की जगह पर आ जाएगा टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री फिर एन की जगह पर क्या रख देंगे एन ही तो है ये ट्वेंटी ट्वेंटी नंबर की टर्म बतानी है लेकिन लास्ट से और डी की जगह पर क्या रख देंगे हम माइनस का फाइव ठीक है अगर आप ऐसे ही रख के करते तो फिर वो तीसरा मेथड होता मैंने तीसरा मेथड भी आपको बता रखा है एक एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल नंबर एट है तो ये हो जाएगा टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री प्लस ट्वेंटी में से बन गया तो नाइनटीन मल्टीप्लाई माइनस फाइव ए ट्वेंटी इक्वल टू आ गया टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री प्लस क्या होंगे कितना बचा फोर इधर से कैरी देंगे नाइन गया तो कितना बचेगा फाइव तो और यहाँ पर इसने कैरी दे दिया था तो कितना बचेगा वन तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयर फोर ट्वेंटी टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म लास्ट टर्म से ट्वेंटी एथ टर्म कौन सी बैठेगी वन हंड्रेड फिफ्टी एट ठीक है एक मैथड तो ये हो गया और दूसरा मेथड क्या है सेकेंड मैथड वो भी ध्यान से समझ लो उसके अंदर हम क्या करते हैं ए पी को ऐसे ही रहने देते हैं बस आपके पास एक फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए इसके अंदर हम ए पी को ऐसे ही लिख लेंगे ए पी क्या है हमारे पास थ्री एट थर्टीन और टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री ठीक है अब फर्स्ट टर्म क्या लिखोगे फर्स्ट टर्म हम लिख देते हैं ए ठीक है वो कितनी है वो है हमारे पास थ्री ठीक है उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना होगा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आगे वाली टर्म में से पीछे वाली जो टर्म होती है उसको हम क्या कर देते हैं माइनस एट में से क्या माइनस कर दोगे थ्री आगे वाली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म जैसे यहाँ पर आगे वाली टर्म एट थी उससे पहले वाली क्या है थर्टीन क्योंकि यहाँ पर हमने ए को रिवर्स कर दिया था तो यहाँ पर माइनस का फाइव आया था यहाँ पर सिंपल आएगा प्लस का फाइव अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम इसमें लास्ट वाली जो टर्म है वो हमें पता है एल कितना है इसको हम लिख लेते हैं एल ले दे रखा है टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री और हमें बतानी है एन एथ टर्म फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द लास्ट टर्म और उसको निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है वो फॉर्मूला याद रखना एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी अगर आप ये फार्मूला याद रखते हो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है बस जहां पर भी आपको ये दिखे कि लास्ट टर्म से हमें बताना है जो भी टर्म है पीछे से हमें बतानी है तो आप ये फार्मूला लगा देना बात ख़त्म तो यहां पर हमें बतानी है ट्वेंटी टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म उसके लिए आपको क्या करना है एल की जगह पर रख दो लास्ट वाली टर्म कितनी है टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री फिर माइनस एन की जगह पर क्या रख दो हमें निकालना क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी नंबर वाली टर्म बतानी है ट्वेंटी टर्म माइनस वन और डी की जगह पर क्या रखेंगे फाइव तो ये आ गया टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री माइनस एज इट इज लिख लो ट्वेंटी माइनस वन कितना हो गया नाइनटीन इंटू फाइव नाइनटीन में से नाइनटीन की जब फाइव में मल्टीप्लाई करोगे तो नाइनटीन फाइव जा नाइन्टी फाइव देखो यहाँ पर भी यही चीज आ गई इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं कितना आ जाएगा वन हंड्रेड फिफ्टी तो ट्वेंटियथ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म क्या होगी वन हंड्रेड फिफ्टी एट ये मैंने आपको दो मेथड बता दिए अगर आपको तीसरा मेथड भी मालूम करना है तो देखो एग्ज़ाम्पल ज़रूर देख लेना मैंने आपको कई बार बता दिया है एग्ज़ाम्पल नंबर एट देखे आओ उसके अंदर थर्ड टर्म में हमने क्या काम किया है हमने सिंपल फॉर्मुला लगाया है और पहले हमने एन निकाली है और फिर हमने ये पता किया है कि जो शुरुआत से जो टर्म थी वो लास्ट से कौन सी टर्म बैठेगी जैसे इस वाले के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने कितने निकाली थी ट्वेंटी फाइव तो जो नंबर आगे से हमारे पास फिफ्टीन वाला बैठ रहा था वो पीछे से कौन सा बैठ रहा था इलेवंथ वाला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और हमें इसके अंदर क्या करना था इलेवंथ टर्म ही निकालनी थी ठीक है तो तीन मेथड मैंने वहाँ पर बता रखे हैं उस चीज़ को आप देख लोगे तो आप बिल्कुल समझ जाओगे फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमसे पूछी गई है वरना दो मेथड आपको मैंने यहाँ बता दी ये समझ में आ गया होगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन देखते हैं ये इकलौता क्वेश्चन है एक ऐसा एक्सरसाइज में इसको ध्यान से कर लेना बार बार कह रहा हूं ये वाला क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर एट क्वेश्चन नंबर एटीन देखो चलो तो क्वेश्चन नंबर एटीन दिया है द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वेंटी फोर किसी एपी की चौथे नंबर की और आठवें नंबर की जो टर्म्स हैं उनको जोड़कर कितना आता है ट्वेंटी फोर एंड द सम ऑफ द सिक्स एंड द टेंथ टर्म इज फोर्टी फोर और उसी ए पी की छठे नंबर की टर्म और दसवें नंबर की जो टर्म है वो कितनी है उनका सम फोर्टी फोर फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द ए पी हमें बताना है कि ए पी की शुरुआत की तीन टर्म्स क्या है मतलब ए वन ए टू और ए थ्री हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको ए की और डी की जरूरत पड़ेगी तो ए और डी निकालने के लिए जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है यही काफ़ी है इसी से हम निकाल लेंगे तो जो जो चीज आपके पास क्वेश्चन में पहले गिवेन होती है उसी को हम लिख लेते हैं सबसे पहले हमें दे रखा है इसके अंदर के फोर्थ टर्म और प्लस एट्थ टर्म इन दोनों का जो सम है वो कितना है वो है ट्वेंटी फोर तो फोर्थ टर्म को आप क्या लिख सकते हो ए फोर और एट्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं ए एट इक्वल टू क्या हो गया ट्वेंटी फोर ए फोर को क्या लिख सकते हैं ए प्लस थ्री डी या फिर आप पूरा लिख लो ए प्लस एन माइनस वन एन की जगह पर क्या रख देंगे फोर माइनस वन और डी ऐसे यहाँ पर ए प्लस एट माइनस वन एन माइनस वन होता है ना और इन टू डी और इक्वल टू ट्वेंटी फोर ये वाला फॉर्मूला लगाया जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था अब तक तो, तो हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए इस फार्मूले को आप समझ गए हो गए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये वाला फार्मूला हमने लगाया है जो भी नंबर यहाँ पर होता है उससे एक नंबर कम आता है यहाँ पर क्योंकि माइनस वन हो जाता है तो आप हाँ यहाँ पर लिख सकते हो कि ये हो गया ए प्लस फोर में से वन गया तो थ्री डी ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस एट में से वन गया तो सेवन डी इक्वल टू ट्वेंटी फोर अब ए और ए दोनों के दोनों लाइक like टर्म है तो ए और ए कितने हो जाएंगे टू ए थ्री डी और सेवन डी जुड़ सकते हैं तो ये हो जाएगा टेन डी इक्वल टू ट्वेंटी फोर अब यहाँ पर इन दोनों में से टू कॉमन आ रहा है कॉमन भी ले सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ दो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं मैं कॉमन लेकर करता हूँ टू कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा ए इसका टू तो बाहर आ गया अब टू के टेबल में टेन कितनी बार आता है फाइव बार तो यहाँ पर इसमें से अब टू कॉमन ले लिया तो फाइव बचा और इक्वल टू में ट्वेंटी फोर ये टू इस ब्रैकेट के यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में तो ए प्लस फाइव डी इक्वल टू ट्वेंटी फोर अपॉन टू टू से कैंसिल हो गया ट्वेल्व बार तो ए प्लस फाइव डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास ट्वेल्व ठीक है ऐसे ही हम बनाते हैं दूसरी वाली उसके अंदर हमें दिया है सिक्स टर्म और टेंथ टर्म जो है उनका सम कितना है फोर्टी फोर तो आप लिख सकते हो सिक्स टर्म और प्लस टेंथ टर्म इन दोनों को प्लस करके क्या आता है फोर्टी फोर तो सिक्स टर्म को आप क्या लिख सकते हो ए सिक्स टेंथ टर्म को क्या लिख सकते हो ए टेन इक्वल टू फोर्टी फोर तो ए प्लस फाइव डी आ जाएगा ये ए प्लस नाइन डी पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लो क्योंकि कॉपी में आप करते हो तो कभी टीचर आपके नंबर काटे तो इसलिए मैं पूरा ही बता देता हूँ सिक्स माइनस वन और इंटू डी फिर ए टेन में ए प्लस टेन माइनस वन और इंटू डी इक्वल टू फोर्टी फोर तो ये हो जाएगा ए प्लस फाइव डी और प्लस ए प्लस नाइन डी इक्वल टू फोर्टी फोर ठीक है अब यहां पर ए और ए कितने हो गए टू ए फाइव डी और नाइन डी कितना हो गया फोर्टीन डी इक्वल टू फोर्टी फोर इन दोनों में से भी क्या चीज कॉमन आ रही है टू तो यहां पर क्या बचेगा ए टू के टेलो फोर्टीन आता है सेवन बार और इक्वल टू में फोर्टी फोर ये टू चला जाएगा इधर डिवाइड में तो ए प्लस सेवन डी इक्वल टू आ गया फोर्टी फोर अपॉन टू टू से इसको कैंसिल कर लो ट्वेंटी टू बार तो ए प्लस सेवन डी की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी टू ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई अब इन दोनों इक्वेशन के अंदर हम लगाते हैं एलिमिनेशन मैथड और एलिमिनेशन मैथड से आप ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे उसके बाद हमें तीन टर्म्स बतानी थी वो हम बता देंगे तो अब हम लेने वाले हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और सेकंड को यूज में किसके यूज में एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए तो आप यहां पर लिखोगे के यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या फिर सीधा सीधा ये समझ लो हमें एक इक्वेशन एक में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है ठीक है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए जो है दोनों का सेम है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले इसको लिख लो इसको लिख लो ये बड़ी वाली टर्म लग रही है मुझे तो मैं इनको ऊपर लिख लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस सेवन डी इक्वल टू ट्वेंटी टू और दूसरी वाली क्या है इक्वेशन ए प्लस फाइव डी इक्वल टू ट्वेल्व कोई सी ऊपर नीचे रख सकते हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब यहाँ पर आपको जब कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट करना होता है तो उसके साइन अलग अलग होने चाहिए तो यहाँ पर ये वाला ए बी प्लस का ए बी प्लस का तो यहाँ पर आप माइनस लगाओ जब इस पर आगे लगाओगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन के साइन चेंज होंगे फाइव डी प्लस का है तो ये भी माइनस का ट्वेल्व प्लस का है तो ये भी कैसा हो जाएगा माइनस का यहाँ पर ए से ये कैंसिल हो गया सेवन डी में से फाइव डी गए तो कितना बचेगा टू डी और ट्वेंटी टू में से अब ट्वेल्व को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा टेन तो डी की वैल्यू कितनी आ गई टेन अपॉन टू और टू से टेन कैंसिल हो गया फाइव बार तो डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है फाइव और ये जो डी की वैल्यू है इसको हम पुट कर देते हैं तो फर्स्ट में या सेकेंड में वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी ए की और फिर हम पहली तीन तीन टर्म जो है वो बता सकते हैं तो आप लिखोगे अब यहां पर कि पुट द वैल्यू ऑफ यहां पर लिख देता हूं मैं पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर कौन सी में रखू चलो फर्स्ट में रख देता हूँ फर्स्ट तो फर्स्ट इक्वेशन थी ए प्लस फाइव डी इक्वल टू ट्वेल्व और ए ऐसे लिख लेंगे फाइव भी ऐसी लिख लेंगे डी की जगह पर क्या रख देंगे फाइव और इक्वल टू में ट्वेल्व तो ये हो गया ए प्लस फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव इक्वल टू ट्वेल्व अब ये ट्वेंटी फाइव प्लस का इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का तो ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फाइव तो ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का थर्टीन अब हमारे पास ए भी है और डी भी है अब हम पहली तीन टर्म बता सकते हैं ठीक है तो तीन टर्म कैसे बताएंगे अब उसको ध्यान से देख लो इधर कर देता हूं ध्यान से समझ लेना पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये वाला है फिर ये वाला और अब मैं लास्ट में जो बता रहा हूं वो यहां पर आपको बतानी है फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए पी तो यहां पर आप लिखोगे फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द ए पी आर वो कौन कौन सी होंगी एक होगी ए वन या एक कह लो दूसरी क्या होगी ए टू और तीसरी क्या होगी ए थ्री तो ए वन क्या है हमारे पास ए वन तो वही है जो पहली टर्म होती है वो दे रखी है माइनस का थर्टीन ए टू को क्या लिख सकते हैं हम ए टू को लिख सकते हैं ए प्लस डी तो ए की जगह पर ए की वैल्यू रख दो माइनस का थर्टीन डी की जगह पर डी की वैल्यू रख दो वो कितनी है फाइव तो माइनस थर्टीन प्लस फाइव कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस होते हैं तो माइनस का एट आ गया उसके बाद ए थ्री तीसरी टर्म क्या होती है ए प्लस टू डी ठीक है जैसे ए सिक्स क्या थी ए प्लस फाइव डी जो भी नंबर यहाँ पर होता है उससे एक कम नंबर आता है यहाँ पर ए टेन को क्या लिखते हैं ए प्लस नाइन डी ऐसी ए थ्री को ए प्लस टू डी ए की जगह पर रख दो माइनस का थर्टीन फिर टू डी की जगह पर क्या रख लो फाइव अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का थर्टीन और टू फाइव जहाँ कितना हो जाएगा टेन तो थर्टीन में से टेन गया तो कितना आएगा थ्री आएगा माइनस का क्योंकि ये माइनस का ए प्लस का आएगा टेन यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया ये माइनस का थ्री पहली टर्म माइनस थर्टीन दूसरी माइनस एट और तीसरी माइनस का थ्री तीन टर्म्स इसके अंदर हमसे पूछी थी कि ए पी की शुरुआत की तीन टर्म्स बताइए ठीक है ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एट्टीन और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर नाइनटीन और ट्वेंटी ठीक है फिर उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे इसमें कोई डाउट हो दोनों क्वेश्चंस में तो कमेंट करके पूछ लेना